वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी के उद्गम स्थल मसूरी वुड स्टॉप के पास पूजा अर्चना कर रहे पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की व रिस्पना नदी के उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने का वचन लिया। वहीं रिस्पना नदी के उद्गम स्थल पर रास्तों पर कूड़ा एकत्रित कर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 25 दिसंबर 2009 को हमने रिस्पना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया था और यह अभियान 66 दिन तक चला और वहां पर पौधारोपण भी किया गया और आज यहां पर रिस्पना नदी के उद्गम स्थल पर फिर से आई हैं। और उन्होंने कहा है कि उद्गम स्थल को और विकसित करने के लिए संकल्पित लोगों की आवश्यकता है और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। पच्चीस दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, ये तमाम ऐसे लोग, मैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था, तब हमने इसकी शुरुआत की थी।